अब जा रहे हो नीचे पूजा करने के लिए? हाँ, देवते के पास जा रही है। यहाँ देखो गुच्छियाँ मिली हमें, यहाँ कमाल की चीज मिल गई आज तो। अब बड़ी दादी देखो भाई पट्टू में कितनी अच्छी लग रही है। ठीक है, बढ़िया। आप बताओ दादी जी, आप ठीक है? सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज मेरे साथ हैं मेरे कजन्स, चाचू के बेटे हैं सारे मेरे, और अभी हमें शांगड़ नाम की एक जगह में, जो प्रीवियसली आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, बेसिकली मैं जो है इस गांव से बिलोंग करता हूं, और यहाँ आज यहाँ पे साजे का त्योहार होता है जिसमें हमारे जो कुल देवता है ना वो आते हैं, और यहाँ पे एक ऐसी परंपरा मनाई जाती है आज जो ना कभी आपने देखी होगी ना ही सुनी होगी, पर आज मैं दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी आपको क्या होता है। एक पेड़ लाते हैं ना निकाल के, उसमें फिर ब्रास का फूल डालते हैं, उसमें फिर जिसने फिर तीन या पांच बार मिलता चार, जिसने लगा दिया निशाना उसका फिर बेटा होता है, और जिसने नहीं फिर उसकी फूटी किस्मत। मतलब मेरे को अभी बिल्कुल अच्छे से कुछ भी समझ नहीं आया है, तो मैं देखते देखते ही समझूंगा कि कैसा हो रहा है, क्या चीज हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो चलो बिना देरी किए मैं आज आपको दिखाता हूँ एक यूनिक चीज। तो चलिए शुरू हो गया है गाइस, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। अब इस पेड़ को ले जाएंगे ना, फिर इस पे निशाना लगाएंगे, जिसका निशाना लग गया उसकी बधाई होगी, मतलब उसको बेटा होगा भगवान के आशीर्वाद से। वो आ रहा भाई, लग गई पिस गया था भाई। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ दोस्तों। तो गाइस अभी ऐसा है कि इस पेड़ को ले जाएंगे सामने वाले उस गांव में, वहां पे करेंगे इसको इस तरह से खड़ा, फिर इसमें होगा एक ब्रास का फूल, हर एक इंसान को तीन तीन पत्थर मिलेंगे, मतलब तीन चांसेस, जिसने निशाना लगा दिया ना उन तीन चांसेस में उस ब्रास के फूल पे, उसको बधाई होगी भगवान के आशीर्वाद से, उसको बेटा होगा एक। तो ये मान्यता है इसके पीछे भाई, इंसानों की रेलगाड़ी बन गई है भाई। तो भाई ये वाला फूल है जिसको निशाना लगाना है। तू भी लगाएगा निशाना बेटा जी? तेरे को इसके भी बंदी हुआ बंदी है इसकी। बोला मैंने बोला तेरी हाइट रह गई छोटी, क्या हुआ तेरे साथ? बोला अरे बंदी नहीं देती, वो टेंशन तो बोला नहीं बोला मैंने झूठ। उसको मिलेगा बच्चा, उसने बोला उसी टाइम निकलता है वो बच्चा। इस गांव ने जैसे ही निशाना लगाते उसी टाइम बच्चा निकलता है। देखते हैं ये लोग कैसे करते हैं इसको खड़ा भाई। चलो गाइस देखो, यहाँ देखो ऐसे डंडे लगा लगा के उठा रहे हैं इसको। हम नहीं है तू है वो, लगाओ आप भी जोर। शाबाश शाबाश शाबाश, वो आ रहा वो आ रहा, हो गया। इतनी ऊपर कहाँ लगेगा निशाना किसी का? लग जाता जिसकी किस्मत हो। पिछवाड़ लेके टोपी वाले। अच्छा इन्होंने लगाया था पिछली बार। फिर बेटा हुआ इनको। नया टोपी। भाई बात वार होए। अरे ये हिल जाएगा अब हमें। तेरे नहीं काम है मत मार, लाड़ी इधर बस। लाड़ी चाहिए उसके लिए, शादी हो जाती है ना बाद में भी। अभी मार के रखता हूँ। कर ली सब ने तैयारी है। तीन हाँ दो पकड़े मैंने अभी। चलो गाइस पहले हम बाकियों को देखेंगे कि वो किस तरह मारते हैं। ये पकड़ तू एक मिनट। नहीं पांच होते हैं। ये नहीं भाई जल्दी उठा के भी। ये ना बढ़िया वाले तब ले लिए मंदिर से। भाई क्या बन रहा। चलो देखते हैं भाई अब तू पकड़। बोला यहाँ देखो बोला इसको बोला इसको भी चाहिए बच्चा भाई, लड़का चाहिए इसको भी। फोन पकड़। वाह अरे यार देखो सारे ओ भाई यार देखो ये मारे मार। यहाँ देखो गाइस अब मैं बिना शादी के पापा बनने वाला हूँ। ऊपर कहा लगेगा वैसे भी यार, यहाँ देखो इसको लग जाता है। रहने दे तू। मैंने मारी दो ही बार मारी। क्यों तीसरी बार क्यों नहीं मारी?
अच्छा तेरे को भी बेटा चाहिए? हाँ जी। बेटी क्यों नहीं चाहिए? तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम वापस, तो ये आप एक बार चेक करो शांगड़े, इस जगह का नाम और कितनी सुंदर जगह है देखो। मैं भी इसी जगह की तरह सुंदर हुआ करता था जब तक मेरे बाल लंबे थे, फिर मेरे को भाई जी ने आज कंपेल कर दिया कि छोटे करा दे बाल, फिर जैसे ही मैंने छोटे कराए अब मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मतलब गाँव वाले जो है ना उन्होंने अपने जानवर चरने के लिए छोड़े होते हैं, पूरा दिन ये यहाँ पे चरते है इसी ग्राउंड में। ऊपर क्या टॉप देख, हाँ नीचे नीचे ये बोरा भाई, इस टॉप में जाएंगे बोला हम कैंपिंग करने, वहाँ पे अपना टेंट लगाएंगे और वहीं रहेंगे। चलो देखते हैं गाइस, हम शायद कल या परसों कैंपिंग करने जा सकते हैं, बन रहा है कुछ ऐसा प्लान। गाड़ी में बैठ के ही खाना ना। चलो फिर, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी मेरे को सुबह से, मैंने खाना नहीं खाया था एक ही बार, सुबह लंच नहीं किया था, मजा आ गया भाई। गाइस ये मैगी नहीं उतनी अच्छी बनी है ना, पर ये सिड्डू है टेस्टी। ओ भाई यहाँ देखो बाहर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है अब। तो गाइज अभी ऐसा है कि जो हमारे कुल देवता है उनको ले जाया जाएगा कान्हा विलेज, जो आपको मैंने दिखाया है ना प्रीवियस ब्लॉग्स में, वहाँ पे तो अभी मौसम बहुत खराब है वहाँ। भाई जी और बिजू भाई ना अभी घर जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट ना, तो ये गाड़ी ले जाएंगे साथ ही, तो फिर मेरे को बाहर घूमना पड़ेगा अभी, इसलिए मेरे को भाई जी ने अपनी स्वेटर दे दी है क्योंकि मैं स्वेटर नहीं लाया हूँ, ठंड हो सकती है ना। और फिर कान्हा विलेज में हमारे को दादी जी भी मिलेंगे, उनसे भी मिलाऊंगा आप लोगों को, बड़े टाइम बाद मैं खुद मिलूंगा, तो चलो चलते हैं। चलो देखो गाइस हर जगह भीग गया है पूरा बरसात के पानी से, पर अब जाके बारिश रुक गई है तो अब दिक्कत भी नहीं आएगी कान्हा विलेज पहुंचने में, ठंड हो गई है पर बहुत ही तगड़ी है यहाँ पे। अभी देवता को कान्हा विलेज जाने में थोड़ा टाइम है शायद ना, तब तक हम बैठेंगे आग के पास भाई। छोटे में देखा आपने मेरे को? छोटे में ना, ये किया आपने बढ़िया काम आग जला के। कब जाना भाई इन दीप्ता ने? थोड़ी देर बाद जाएगा। अब चलते हैं कान्हा विलेज की तरफ, हो गया समय। तो गाइज यहाँ से रास्ता है, ये वाले जो ब्राउन कलर के आप ये बारीक बारीक देख रहे हो ना, ये इन पे ढंग से पैर रखना होता है वरना स्किट हो जाते हैं। दोस्तों हमारे पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं ना जहाँ से पैदल चल जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह को, वहां पे ऐसे ऐसे शॉर्टकट भी बनाए होते हैं, जैसे कि ये नमूना वहां से जा रहा लॉन्ग कट से, बट मैं जाऊंगा यहाँ से शॉर्टकट से, बिना गिरे चल लेते हैं हम आराम से। देखो पहुंच गया ना उससे आगे, यहाँ देखो वो आ रही, ले जानी निकाल इनको। गाइस यहाँ देखो हमें क्या मिला, कुछ ही बोलते हैं इसको, मतलब इसको मिली थी सुबह ना और इसने अभी मेरे को बताया, यहाँ देखो गुच्छियाँ मिली हमें यहाँ। ये बिकती है बहुत महंगी है ना, वो कमाल की चीज मिल गई आज तो, ये दे रहे। बोलते हैं जिसको गुच्छी मिलती है ना वो होते हैं लकी, और मैं मेरे लकी। मेरे को तो नहीं मिली, मिली तो इसको थी, इसने बताया मेरे को भी बना दिया अपने साथ लकी इसने, तो हाँ भाई ये मिली। देखो इतना चल चल के ना गर्मी लगना शुरू हो गई मेरे को भाई। नमस्ते, ये मिले यहाँ से ऊपर, इसको मिले थे सुबह, इसने दिखाया मेरे को। फिर पहुंच गए हम गाइस कान्हा विलेज, हमारी बड़ी दादी, ओ हो 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 बड़ी दादी देखो भाई पट्टू में कितनी अच्छी लग रही है। नमस्ते जी, ठीक है बढ़िया, आप बताओ दादी जी आप ठीक हैं? ठीक ठाक है, बढ़िया बढ़िया। देखो मेरे को क्या मिला रास्ते में, ओहो इतने मिला, अब रखो आप अपने पास रखो, यहाँ रख रहे हैं चुपचाप। देवते के लिए तैयार हो गए आप? हाँ जी तैयार हो गए। चलो फिर आज रहो, आज पता नहीं यारो देखते हैं, पता नहीं काम भी है घर पे ना मेरे को, काम नहीं आज रहना पड़ेगा, गिरना मत आप। गाइज ये जो मेरे चाचू की बेटी है ना, चार पांच दिन से फोन करी थी मैंने, इसका एक भी फोन नहीं उठाया ना मैंने कॉल बैक की, अब देखना क्या ड्रामे करेगी। हाय नमस्ते। नमस्ते दादी, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। हम भी बढ़िया। नमस्ते 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 जी, नमस्ते जी। तेरे को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तेरे को? जानी जो फूल बैठ गए फेंकड़ी मैंने यहाँ से नीचे, मजाक कर रहा है। और आप ठीक है दादी? बढ़िया बढ़िया भाई, देखो कितनी अच्छी लग रही है मेरी दादी पट्टू में, एकदम सुपर। अब जा रहे हो नीचे पूजा करने के लिए? देवते के पास जा रही है दादी जी, इनको बोलो मेरे फूल गिर जाएंगे। मैंने नहीं टच भी किया दादी जी इसको, ऐसे
था मैं। क्या बिजी था? फोन झूठ बोल के गए पहले थी। तो गाइस अब गांव की जितनी भी महिलाएं जो है पट्टू में तैयार हुई हैं, वो देवता की गांव की आने की खुशी में उनका स्वागत करती हैं। तो वो किस तरह से करती हैं वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। अभी मैं आया हूँ हमारे गांव में, एक घर है ये वाला जो आप देख रहे हो मेरे सामने। तो यहाँ पे मम्मी की एक फ्रेंड है, उनके वहाँ से घी लेना है मैंने, तो घी पैक करके देंगे वो मेरे को, फिर निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है गाइस, रात हो गई। इस घी का वेट करते करते ना यहीं पे देखो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। चलो पापा मेरा वेट कर रहे हैं अब गाड़ी के पास, तो चलो निकलते हैं फटाफट। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर। तो कुछ इस तरह से बीता मेरा आज का दिन। आज का ब्लॉग देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।